वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हमारा एक्सपेरिमेंट है ई बाई एम। इस एक्सपेरिमेंट का एम है टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ई बाई एम ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय जे जे थॉम्सन मेथड। ये हमारा सेटअप है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पावर सप्लाई है। पावर सप्लाई को हमने कनेक्ट कर रखा है, पावर सप्लाई से सॉरी हमने कनेक्ट कर रखा है सी आर टी को। ये हमारी कैथोड रे ट्यूब है ये। और हमें यहाँ पे चाहिए बार मैग्नेट जिससे हम मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेंगे। ये हमारा वुडन स्टैंड है। वुडन स्टैंड में आप देख सकें कि दोनों तरफ जो है स्केल लगे हुए हैं रीडिंग्स के लिए। ये हमारा मैग्नेटिक कंपास बॉक्स है। कंपास में जो जो रेड स्पॉट होता है वो नॉर्थ डायरेक्शन को शो करता है। तो ये डायरेक्शन इस टाइम नॉर्थ हो गई, ये साउथ हो गई इस तरह से। अब हम यहाँ पे थोड़ा सीआरटी को एक्सप्लेन कर देते हैं कि बेसिकली सीआरटी क्या होती है। ये कैथोड रे ट्यूब कहलाती है। कैथोड रे ट्यूब में क्या होता है कि यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन गन होती है जो कैथोड रे एमिट यानी इलेक्ट्रॉन बीम एमिट करती है, और यहाँ पे हमारे फोकस के लिए दो सर्कुलर डिस्क लगी होती है जो एनोड के पीछे की तरफ होती है, और बीच में सेंटर में हमारे डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स होती हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, और यहाँ लास्ट में हमारे ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन होती है जो ज़्यादातर जिंक सल्फाइड की बनी होती है। इस फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे जब इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्राइक करती है तो यहाँ पे हमें ग्रीन स्पॉट नज़र आता है। मैं यहाँ पे जैसे आपको दिखा देता हूँ कि ये जो हमने पावर सप्लाई ऑन करी, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन गन जो है इलेक्ट्रॉन कैथोड रे जो है इलेक्ट्रॉन बीम पास कर रही होगी, या जैसे फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे वो इलेक्ट्रॉन बीम पड़ेगी यहाँ पे हमें एक ग्रीन स्पॉट नज़र आएगा, जैसा कि ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे हमारा ये स्केल भी बना हुआ है, एक वर्टिकल स्केल है और ये सेंटीमीटर में है। जो ये इसका सेंटर वाला पॉइंट है जहाँ पे इस टाइम स्पॉट नज़र आ रहा है इसको हम जीरो कंसिडर कर लेते हैं, और ये नेगेटिव वर्टिकल डायरेक्शन हो गई, ये पॉजिटिव वर्टिकल डायरेक्शन हो गई। ये 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर पॉजिटिव में है और ये 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर नेगेटिव में है। अब हमारे पास जो ये पावर सप्लाई दे रखी है इसमें आप देख सकते हैं कि इंटेंसिटी को भी चेंज करने के लिए नॉब है। यहाँ पे हम इंटेंसिटी आप देख सकते हैं कि स्पॉट की जो है चेंज हो रही है। इंटेंसिटी का मतलब है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है अंदर कैथोड ट्यूब में वो इंक्रीज और डिक्रीज हो रहे हैं जो इस स्क्रीन से स्ट्राइक कर रहे हैं। सेम यहाँ पे एक फोकस का बटन भी है, फोकस हम करके यहाँ देख सकते हैं ये। तो हमें फोकस इतना ही करना होता है कि शार्प स्पॉट जो है वो नजर आए कैथोड रे ट्यूब पर। यहाँ पे हमारे ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल शिफ्ट डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स के लिए भी यहाँ पे दे रखा है कि अगर हम एक्स डायरेक्शन की प्लेट्स में जो है वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो स्पॉट की पोजिशन जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चेंज होगी, और वाइट प्लेट्स की उसमें वोल्टेज अप्लाई करेंगे डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स में तो स्पॉट जो है वो वर्टिकली मूव करेगा। जैसे इस टाइम हमने नॉब जो है वाई पे कर रखे, यानी इस टाइम ये वर्टिकल शिफ्ट आप देख सकते हैं कि स्पॉट पे हो रही है। हम जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा रहे हैं यहाँ पे वर्टिकल शिफ्ट हो रही है। वोल्टेज जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ाएंगे तो स्पॉट नीचे की तरफ जा रहा है, वोल्टेज जो है नेगेटिव डायरेक्शन में बनाएंगे तो स्पॉट जो है ऊपर की तरफ जा रहा है। सिमिलरली जब हम नॉब को एक्स साइड में कर देते हैं एक्स डायरेक्शन में, अब हम हॉरिजॉन्टल अगर शिफ्ट से करना हो तो हम यहाँ से कर सकते हैं। वोल्टेज जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है स्पॉट जो है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, वोल्टेज को हम जब नेगेटिव में लेके जा रहे थे एक्स जो है स्पॉट जो है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। तो स्टार्टिंग में हमें क्या करना होता है कि स्पॉट को बिल्कुल सेंटर पे रखना होता है हॉरिजॉन्टली भी, और हमारी कोशिश रहती है कि वो वर्टिकली भी सेंटर पर ही रहे। एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारा वुडन बॉक्स है जिसमें दोनों तरफ स्केल लगे हुए हैं, इस वुडन बॉक्स के बिल्कुल बीच में हम अपना कंपास बॉक्स रख देते हैं ये। अब हम कंपास में ये देखते हैं कि ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन जो है इसी डायरेक्शन में हमें वुडन बॉक्स को इस तरह से सेट करना होता है कि पॉइंटर की वैल्यू जो है वो एग्जैक्ट 0-0 पर आ जाए। तो हम इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं। वुडन बॉक्स को हमें थोड़ा सा मूव कराना होगा। मूव करा के हमने इस तरह से सेट करा कि पॉइंटर की वैल्यू ऑलमोस्ट 0-0 पर आ गई है। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है।
अब हम क्या करेंगे कि कंपास बॉक्स को हटा देंगे और हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि ये वुडन स्टैंड उसी पोजीशन पे रहे, बिल्कुल मूव ना करे, और कंपास बॉक्स की जगह इस सीआरटी को रख देंगे, कैथोड रे ट्यूब को। कैथोड रे ट्यूब को इस तरह से रखते हैं कि जहां पे ट्यूब का डायमीटर चेंज हो रहा है वो वाला पोर्शन बिल्कुल सेंटर पे रहे, स्केल के अलाइनमेंट में रहे, जहाँ पे उसके डायमीटर चेंज हो रहा है, क्योंकि जो हमारी डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स होती हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वो दोनों सेंटर से सीआरटी के सेंटर के पास ही होती है। कि अब सीआरटी को हमने नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में स्पेशली इसलिए रखा है ताकि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का जो इफेक्ट पड़े वो सीआरटी यानी इलेक्ट्रॉन बीम पर सबसे कम पड़े, मिनिमम पड़े, ये इलेक्ट्रॉन बीम पर मैग्नेटिक फील्ड जो अर्थ की है उसका इफेक्ट जो है वो मिनिमाइज हो जाए, इसलिए हम सीआरटी को स्पेशली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रखते हैं। अब रीडिंग्स, एक रीडिंग हम सैंपल के तौर पे नोट करके दिखा देते हैं कि जैसे यहाँ पे मैंने पावर सप्लाई ऑन करी, पावर सप्लाई पे इस टाइम कोई भी वोल्टेज हमने अप्लाई नहीं कर रखी, तो इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट ट्रेवल करेगी, बिल्कुल स्ट्रेट ट्रेवल करेगी, तो हमें उसकी इनिशियल पोजिशन नोट करनी होगी, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पॉइंट ये जो है हमें बिल्कुल पैरेलैक्स एरर दूर करने के लिए हमें बिल्कुल सामने से देखना पड़ेगा, तो ये जो है ऑलमोस्ट 0.2 सेंटीमीटर अपर साइड में है। अगर हम बिल्कुल सेंटर वाले ग्राफ में बिल्कुल सेंटर वाले पॉइंट को, इस पॉइंट को अगर हम जीरो मान लें ओरिजन, तो ये ऑलमोस्ट 0.2 सेंटीमीटर पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है, तो ये हमारा जीरो एरर हो गया। ये हमारी इनिशियल रीडिंग हो गई, इसको हम नोट कर लेते हैं। हमारी इनिशियल पोजीशन जो स्पॉट की आई है वो आई है 0.2 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई करेंगे। कितनी वोल्टेज अप्लाई करते हैं हम, स्टार्टिंग में 20 वोल्ट अप्लाई करते हैं इस पे। एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको ये रीडिंग लेके दिखा रहा हूँ, 20 वोल्ट यहाँ पे हमने अप्लाई करी, 20 वोल्ट पे अब आप देखेंगे यहाँ पे स्पॉट की पोजिशन है जो वो चेंज हो चुकी है, तो स्पॉट अब आ गया हमारे नेगेटिव में, मतलब नीचे की डायरेक्शन में 2 सेंटीमीटर पे। ये वाला हमारा सेंटर था, ये 1 सेंटीमीटर मूव हुआ, फिर उसके बाद 2 सेंटीमीटर मूव हुआ, और स्टार्टिंग जो हमारी उसकी इनिशियल पोजीशन थी वो अपर वाई डायरेक्शन में थी 0.2। हमारे यहाँ पे फाइनल पोजीशन हो गई स्पॉट की 2 सेंटीमीटर, तो डिफ्लेक्शन हमारा कितना हो गया 2.2 सेंटीमीटर, क्योंकि अब जो डिफ्लेक्शन, अब जो ये मूव करा है वो 2 सेंटीमीटर नीचे की साइड में मूव करा है, जबकि इनिशियल पोजीशन उसके ऊपर की साइड में 0.2 सेंटीमीटर थी, तो डिफ्लेक्शन टोटल हो गया 2.2 सेंटीमीटर। हमने वोल्टेज कितनी अप्लाई करी है, 20 वोल्ट अप्लाई करेंगे। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे ये मूव क्यों कर गया, क्योंकि जो वर्टिकल प्लेट्स हैं उन पे हमने वोल्टेज अप्लाई करी है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होने की वजह से इलेक्ट्रॉन बीम पर एक फोर्स पड़ी, क्योंकि मूविंग इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजरता है तो वहां पे एक फोर्स जनरेट होती है, तो उस फोर्स के कारण वो जो है इलेक्ट्रॉन बीम जो है मूव कर गई, इस कारण हमें ये डिफ्लेक्शन शो हुआ है। अब हम क्या करेंगे, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेंगे इन बार मैग्नेट्स के थ्रू, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेंगे जिससे जो इलेक्ट्रॉन बीम पर फोर्स पड़े वो बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड वाली फोर्स के इक्वल एंड अपोजिट हो, यानी इलेक्ट्रॉन बीम पे अब हम एक मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू एक फोर्स क्रिएट करेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू जो फोर्स लगी है उसके इक्वल एंड अपोजिट हो। तो वो हमें कैसे पता चलेगा कि जब हम मैग्नेट्स के अट्रैक्टिव पोल्स, यानी हमें दोनों अट्रैक्टिव पोल्स यूज करने हैं और यहाँ पे रखने होंगे, एक मैग्नेट इस तरफ और एक इस तरफ, और इनको साइमल्टेनियसली मूव करा के हमें देखना होगा कि स्पॉट जो है वो वापस अपनी इनिशियल पोजिशन पे कब आ जाता है, इनिशियल पोजिशन यानी कि वही अपर अपर साइड में 0.2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, तो वो हम अब सेट कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं कि स्पॉट वापस अपनी वर्टिकल उसी पोजीशन पे आ गया जो उसकी इनिशियल पोजीशन थी, यानी जब इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल भी नहीं थी तब जो उसकी जो पोजीशन थी उसी पोजीशन पे स्पॉट अब है। अब बेसिकली क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो इलेक्ट्रॉन बीम पे फोर्स लग रही है वो है EQ, और मैग्नेटिक फील्ड जो हमने यहाँ क्रिएट करी है उसके कारण जो इलेक्ट्रॉन बीम में फील्ड लग रही है वो लग रही है BQB। तो ये दोनों फोर्स जो है इस टाइम इक्वल एंड अपोजिट हैं, इसलिए जो स्पॉट है वो वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पर आ गया है। तो यहाँ पे हम ये वैल्यूज नोट कर लेंगे, हमें हर बार मैग्नेट्स के अट्रैक्टिव पोल्स यूज करने होते हैं,
तो ये जो है इस पोजीशन पे आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू कितनी है, 10.567, 10.5678, ये 10.8 है और ये जो है ये 11 पर है। तो हम ये दोनों रीडिंग्स नोट कर लेते हैं, 10.8 एंड 11। तो ये यहाँ पे हम स्केल पे नोट कर लेंगे, ए पोल और बी पोल 10.8 सेंटीमीटर आई है और एक 11 सेंटीमीटर आई है। अगर हमारा ये वाला पोल नॉर्थ पोल होगा तो ये वाला साउथ पोल होगा ऑब्वियसली है, और अगर ये साउथ पोल है तो ऑब्वियसली ये वाला नॉर्थ पोल होगा। अब हमें क्या करना है, थीटा वन और थीटा टू फाइंड करने होंगे। वो कैसे फाइंड करेंगे कि हम अब सीआरटी को यहाँ से हटा देंगे, मैग्नेट्स की पोजीशन अब हमें चेंज नहीं करनी, ना ही वुडन बॉक्स की पोजीशन चेंज करनी, हमें सिर्फ सीआरटी को हटाना है। हम सीआरटी को हटा देंगे और उसके बाद कंपास बॉक्स को यहाँ पे रखेंगे, और कंपास बॉक्स में देखेंगे पॉइंटर दो अलग अलग एंगल्स कौन से शो कर रहा है, वही हमारे थीटा वन और थीटा टू होंगे। ये आप देख सकते हैं कि जब हम कंपास बॉक्स को यहाँ पे रख रहे हैं तो ये रीडिंग हमारी शो हो रही है, थीटा वन तो वो दिखा रहा है 71 के अराउंड और थीटा टू दिखा रहा है 74 के अराउंड। थीटा वन हम पॉइंटर में से किसी को भी थीटा वन और थीटा टू मान सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक रीडिंग थीटा वन है 71 और दूसरी है 74। तो ये रीडिंग्स हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। थीटा वन आया है हमारा 71 और थीटा टू 74, और वोल्टेज थी हमारी 20 वोल्ट। अब ये हमारी एक रीडिंग आ गई है जिसमें हमने पॉजिटिव वोल्टेज की डायरेक्शन में, मतलब डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स जो वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स हैं उसमें एक प्लेट पॉजिटिव थी एक प्लेट नेगेटिव, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये जो रीडिंग आई है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं। अगर हम रिवर्स डायरेक्शन में ले जैसे इस 20 वोल्ट को, अगर हम -20 वोल्ट पे कर दें तो एक और रीडिंग आ जाएगी हमारे पास। ज़्यादा एक्यूरेसी आंसर को ज़्यादा एक्यूरेट बनाने के लिए हम ये कैलकुलेशन में यूज़ कर सकते हैं। तो हम अब हमने वोल्टेज को नेगेटिव में कर दिया है, यानी पहले जो डिफ्लेक्टिंग वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट पॉजिटिव थी वो अब नेगेटिव हो गई है, और पहले जो नेगेटिव प्लेट थी वो पॉजिटिव हो गई है। तो हम अगेन नोट करेंगे कि सीआरटी पे स्पॉट की पोजीशन अब कौन सी है। ऑब्वियसली हमारी जो इनिशियल पोजीशन थी स्पॉट की वो तो 0 वोल्टेज पे थी, जो कि हमारी 0.2 सेंटीमीटर अपर वाइट डायरेक्शन में थी, तो वो तो अभी भी सेम ही रहेगी। हमें सिर्फ फाइनल पोजीशन नोट करनी है स्पॉट की। तो वो फाइनल पोजीशन हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। अब जैसे यहाँ कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा सेंटर है, तो ये 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर और ये ऊपर की तरफ चली गई है, तो वो 2.2 सेंटीमीटर हो गई है। 2.2 सेंटीमीटर हमारी फाइनल पोजीशन है, और इनिशियल पोजीशन हमारी 0.2 थी। तो नेगेटिव वाई डायरेक्शन में हमारी जो रीडिंग आएगी वो आएगी, डिफ्लेक्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा सिर्फ 2 सेंटीमीटर, ये हमारा नेगेटिव फील हो जाएगा। अब हमें सी और डी पोल देखने के कौन कौन से हैं, वही हम अगेन मैग्नेट्स यूज़ करेंगे, और मैग्नेट से हम पता लगाएंगे कि हमारे कौन सी पोजीशन पे जो है स्पॉट वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ रहा है। तो मैग्नेट्स के जो अट्रैक्टिव पोल्स हमने पिछली बार यूज़ करे थे, हमें उसके अपोजिट वाले अट्रैक्टिव पोल्स यूज़ करने होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हुई है तो ऑब्वियसली मैग्नेट फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज होगी। तो वही हम यहाँ पे मैग्नेट्स रख के देख लेते हैं कि स्पॉट वापस अपने इनिशियल पोजीशन में कब आ रहा है। इनिशियल पोजीशन यानी वही 0.2 सेंटीमीटर। हमें साइमल्टेनियसली मैग्नेट्स को मूव कराना होता है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट अपने उसी इनिशियल पोजिशन पे आ गया स्पॉट 0.2, और यहाँ पे हमारे मैग्नेट्स की रीडिंग है, एक की है 13.7 और एक की है 10.89, 13.7 और 10.9, 13.7 और 10.9। तो ये रीडिंग हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, 13.7 एंड 10.9। अगेन हम अब सीआरटी को हटाएंगे और इसकी जगह कंपास बॉक्स को यहाँ पे रख लेंगे और देख लेंगे कि थीटा 3 और थीटा 4 कितना आ रहा है। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो कंपास बॉक्स की हमारी रीडिंग्स आ रही हैं वो आ रही हैं, थीटा 1 तो हो गया 72 और
थीटा थ्री तो सॉरी हो गया 72, और थीटा फोर हो गया 73 के अराउंड, या 74, 72 एंड 74। तो ये रीडिंग्स हम नोट कर लेते हैं थीटा थ्री और थीटा फोर के लिए। थीटा थ्री 72 और थीटा फोर 74। ये रीडिंग्स हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं अपने जहाँ भी हम इस पेपर पे जहाँ कैलकुलेशन कर ली है, थीटा थ्री 72 और थीटा फोर 74। अब हमने रीडिंग्स ले लिया, अब हमें कैलकुलेशन करनी होगी। कैलकुलेशन के लिए फिर हमें यहाँ पे इन थीटास का मीन चाहिए होगा। उस मीन के थ्रू हम फिर उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्रिएट करेंगे जो हमने यहाँ पे क्रिएट करी थी उन बार मैग्नेट्स के थ्रू। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारी ऑब्जर्वेशंस आई हैं वो ये आई हैं, जो हमें एक तो मैन्युफैक्चरर की तरफ से हमें कुछ सीआरटी के कॉन्स्टेंट्स मिले थे। वो कॉन्स्टेंट ये थे कि जो लेंथ ऑफ हॉरिजॉन्टल पेयर ऑफ प्लेट्स था वो 30 मिलीमीटर, यानी कि जो डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स है हॉरिजॉन्टल, वो उनकी लेंथ जो है वो 30 मिलीमीटर है, और जो स्क्रीन का डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम एजेस ऑफ द प्लेट, यानी कि ये डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स की जो एज है उसका फ्लोरोसेंट स्क्रीन से जो डिस्टेंस है वो है हमारा 85 मिलीमीटर, और सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स उन दो जो डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स है उनके बीच का जो गैप है वो है 10 मिलीमीटर। तो ये कॉन्स्टेंट है सीआरटी के जो मैन्युफैक्चरर की तरफ से गिवन होते हैं। अब हमने रीडिंग्स जो लिए ये यहाँ पे नोट कर रखी है, प्लस अब हमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड करेंगे, अभी तो हम ये एंगल का जो हमने चारों एंगल आए हमारे पास, थीटा वन थीटा टू थीटा थ्री और थीटा फोर, थीटा वन थीटा टू आए थे पॉजिटिव वोल्टेज के लिए, और थीटा थ्री और थीटा फोर आए थे हमारे नेगेटिव वोल्टेज के लिए। हमने दोनों टाइम 20 वोल्टेज यूज करिए, एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव। तो ये हमारा मीन आया है थीटा का 72.75। अब जो अर्थ की अपनी मैग्नेटिक फील्ड होती है उसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो होता है 0.32 गॉस। तो हमें अपनी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए हमें फॉर्मूला यूज करेंगे एच इज इक्वल टू एच ई टेन थीटा, जिसमें एच ई जो है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जिसकी वैल्यू होती है 0.32 गॉस, और टेन और थीटा हम ये वाला यूज करेंगे टेंजेंट ऑफ थीटा। तो हम ये कैलकुलेट करके देख लेते हैं वैल्यू की हमारी, हमने जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्रिएट करी है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है। टेन ऑफ 72.75 विच इज इक्वल टू 3.22 इंटू 0.32। तो ये वैल्यू आई है हमारी 1.03। तो हमने यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करी है वो क्रिएट करी है 1.03 गॉस की। गॉस हम यहाँ पे सीजीएस यूनिट यूज कर रहे हैं, तो हमने इतने गॉस की जो है मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्रिएट करी थी। अब हम देखते हैं ई बाई एम निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वोल्टेज इंटू जो हमारा डिफ्लेक्शन आया वो अपॉन में स्मॉल एल, एल ये कैथोडिक के कांस्टेंट है, और एच स्क्वायर। वोल्टेज हमने 20 वोल्ट की अप्लाई करी थी, डिफ्लेक्शन हमारा कितना आया था, डिफ्लेक्शन हमारा आया था पॉजिटिव 20 वोल्टेज पे आया था 2.2, और नेगेटिव 20 वोल्टेज पे आया था 2 सेंटीमीटर। तो इन दोनों का मीन हम निकल गए वो हो गया 2.1 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम सारी यूनिट सीरियस यूज कर रहे हैं, ये 2.1 सेंटीमीटर। ये स्मॉल एल कैपिटल एल डी जो है वो हमारे कैथोडिक ट्यूब के कांस्टेंट है, कि लेंथ ऑफ हॉरिजॉन्टल पेयर ऑफ प्लेट्स कितनी थी वो 30 mm, तो इसको भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे यानी 3 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम एजेस 85 मिलीमीटर, जो कि 8.5 सेंटीमीटर हो गया, और सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स 10 मिलीमीटर, जो कि यानी 1 सेंटीमीटर हो गया। तो ये वैल्यूज हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। और एच की वैल्यू जो हमने अभी काउंट करी थी कि हमने कितनी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करी है वो है 1.03, 1.03 का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे इस वैल्यू को कैलकुलेट करके देख लेते हैं कितनी आती है, यही हमारे ई बाई एम की वैल्यू होगी। ये वैल्यू हमारी कैलकुलेट होके आई है 1.55। अब जो हमारी इस ये मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर रीडिंग लेके दिखाई है 20 वोल्ट के लिए। इसी तरह से हम 30 वोल्ट, 40 वोल्ट, 25 वोल्ट, 35 वोल्ट, इससे कम से कम हम 3-4 रीडिंग्स ले सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव वोल्टेज की रेस्पेक्ट में, और जितने ज़्यादा हमारे आंसर आएंगे फिर उनका मीन लेंगे तो वो हमारा फाइनल रिजल्ट जो है उतना ज़्यादा एक्यूरेट आएगा। हमारा जो रिजल्ट आया है वो कैलकुलेट होकर आया है
1.55, 1.55, और जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है वो होती है 1.756। तो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं परसेंट एरर कितना आ रहा है। परसेंट एरर का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, हम यहाँ पे कैलकुलेट करके देख सकते हैं। परसेंटेज एरर आया हमारा 11.7%। ये मैंने सिर्फ एग्जाम्पल दिया है एक रीडिंग का, इस तरह से हम जब 3-4 रीडिंग्स लेंगे तो हमारा और एक्यूरेट आंसर आ सकता है। तो इस तरह से हम ई बाई एम की वैल्यू थॉमसन मेथड के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू।